मैं मनोज कुमार तिवारी, मैं ये वीडियो आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाया। नेक्स्ट ईयर से ITJEE मेंस और नीट का एग्जामिनेशन दो दो बार साल में कंडक्ट होगा। इससे आपको एक बेनिफिट है कि आप एक साल में दो बार जेई मेंस का एग्जामिनेशन दे सकते हो, नीट का एग्जामिनेशन दे सकते हो। पहले क्या होता था, लास्ट ईयर तक ITJEE मेंस और नीट का एग्जामिनेशन एक एक बार कंडक्ट होता था, तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये कंप्लेन आता था कि बहुत अच्छा एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन था, लेकिन सर वहाँ पे अच्छे से एग्जामिनेशन नहीं दे पाए, सर वहाँ पे सही तरीके से दिमाग काम नहीं किया। तो इससे क्या होगा कि अगर आपका एक एग्जामिनेशन खराब भी जाता है तो आप दूसरे एग्जामिनेशन में अपने अच्छे परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इससे आपका बेनिफिट ये है कि आप एक साल में दो बार एग्ज़ाम दे सकते हैं, और अगर आप मानिए दोनों एग्ज़ाम दिए तो दोनों एग्जामिनेशन देने से क्या होगा कि जिसमें आपका बेस्ट परफॉर्मेंस हो वही रिज़ल्ट आपका काउंट किया जाएगा और वही रिज़ल्ट आपका फाइनल रिज़ल्ट होगा। जनवरी महीने में एग्जामिनेशन देने से ये फ़ायदा है कि आप बोर्ड एग्जामिनेशन फ्रीली दे पाएंगे, बिना किसी टेंशन के दे पाएंगे। तो ये आपका एक गुड न्यूज़ है सारे स्टूडेंट के लिए कि वो एक साल में दो बार एग्जामिनेशन दे सकते हैं, नीट का एग्जामिनेशन भी और ITJEE मेंस का भी। दूसरा क्या चेंज आया है कि पहले जेई मेंस और नीट का एग्जामिनेशन जो था वो CBSE कंडक्ट करता था, लेकिन अब से जितना भी एग्जामिनेशन है, जैसे आपका ITJEE मेंस का एग्जामिनेशन हो गया, नीट का एग्जामिनेशन हो गया और एडवांस का एग्जामिनेशन हो गया, ये इसको एक एजेंसी कंडक्ट करेगी, NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। पहले ITJEE मेंस का एग्जामिनेशन CBSE बोर्ड कंडक्ट करती थी और ITJEE एडवांस का जो एग्जामिनेशन था वो IIT में से कोई एक इंस्टीट्यूट कंडक्ट करता था, लेकिन अब ये सारा एग्जामिनेशन NTA कंडक्ट करेगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा न्यूज़ है कि आपको एक साल में दो बार ITJEE मेंस एग्जामिनेशन देने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आप इसका फायदा उठाएं। थैंक यू वेरी मच।